उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र के कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया। आपदा प्रबंधन अधिकारी बीएस पटवाल ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लगातार टालती हुई आ रही है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। वहीं आपदा परिचालन केंद्र के काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, इस बीच उनको किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलती है। साथ ही पूर्व से तैनात कर्मचारी प्राधिकरण एवं परिचालन केंद्र के साथ साथ जिलाधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए कार्यों को भी वह कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही हड़ताली कर्मचारियों ने 21 नवंबर तक मांगे ना पूर्माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन कर्मचारी की जो मांगे हैं कि हमारा एकीकरण किया जाए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का किया जाए और मानदेय एक समान किया जाए, जिससे कि हमारी अवकाश और अन्य भत्ते भी हमें दे हों, अवकाश और अन्य सुविधाएं दे हों, इंश्योरेंस हो, तो इसको देखते हुए एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। अगर इसमें मांग नहीं की सरकार द्वारा तो इसको और ऊँचे ढंग से उठाया जाएगा और इसमें सारे कर्मचारी एक हैं और इससे आगे बढ़ेंगे। संगठन है, उनके आह्वान पे हम लोग जो जनपद के हमारे सभी सदस्य लोग बैठे हैं, हम लोग विगत 10-12 सालों से यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि अलग अलग है। हमारा जो शासन ने 2 दिन बाद ढांचा भी बना दिया, हमारा पुनर्गठन कर दिया, लेकिन कुछ सही से नहीं किया। तो हमारी यही मांग है कि हमारा गठन ढंग से किया जाए और जितने भी हमारे कर्मी हमें नियमित किया जाए, और हमारे जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनका इंश्योरेंस किया जाए। हमारा जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे चलता है, रात को से लेके सुबह सभी 24 घंटे रहते हैं तैनात, तो उन कर्मियों को अवकाश नहीं होता है, तो अवकाश आदि कई चीज़ें हैं, तो समय हमने शासन के लिए बोला है। 8 सूत्री मांगे हैं हमारी, और पहले भी हमने शासन को लेटर भेजे हैं बार बार, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी है। मजबूरन ही हमें आज जो इस एक दिवस से कार्य बहिष्कार किया करना पड़ा है, और अगर आगे नहीं मानते तो 26 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नाम क्या सर आपका? केदार नेगी। किसी को आउटसोर्स से रखा गया है, किसी को जो है किसी और व्यवस्था में लगाया गया, ओपनर से लगाया गया है, और सबके मेरे ख्याल से अलग अलग मान दिए। कार्य प्रवृत्ति एक जैसे होने के बावजूद भी उन लोगों के जो धनराशि जो मानदेय है वो अलग अलग है, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़े दिए जाते हैं जो आपको इस टाइम आप देख रहे हैं। ये सब संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, जीने लायक बेहतर।